वरना तुम जानते हो नतीजा क्या होगा। सर वो बात ऐसी हुई कि वो होली के दिन हम लोग किशन के घर नाच रहे थे सर, बाद में सर यानी कि माधो ने कहा सर। वो माधो? माधो का क्या था लोग इस बात से? सच सच क्या हुआ बताओ। हाँ सर, तो बसंती बोली कि चलो खेत में चलते हैं। अच्छा, तो बसंती ने ललचाया आपको? हाँ कुछ वैसी बात सर। और सर ये भी बात है ना, अगर लड़की का ही मन ना हो तो उसे कौन ललचा सकता है सर। तुम उसके होने वाले बच्चे के बाप हो कि नहीं? सर इसका मुझे क्या पता। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? सर ऐसी बात भरोसे के साथ कैसे कही जा सकती है। तो क्या तुम उसके अकेले? नहीं, उस वक्त तो मैं ही था। उस वक्त था, पर सर इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसी कुछ बात हो ही जाए। कहना क्या चाहते हो, माधव दोषी है? अब सर कौन दोषी है तय करना मुश्किल है। पर तुमने बसंती से कहा था तुम उसके साथ ब्याह करना चाहते हो। हाँ सर, पर वो लड़कियों को इस तरह से बोलना पड़ता है ना सर। है ना छटा हुआ बदमाश। वही पुराना किस्सा। रामप्रसाद, तुम मर्द हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम बाप हो या नहीं। जी हाँ सर, मैंने कब ना कहा। सर उसके साथ गया था मैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं सर कि। रामप्रसाद, बात को टालने की कोशिश मत करो। तुम इस लड़की को बच्चे के साथ इस तरह अकेला तो नहीं ना छोड़ना चाहोगे। हम तुम्हें इस लड़की के साथ शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते, पर इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें एक मर्द की तरह निभानी होगी, और वो तुम निभाओगे। निभाऊंगा सर, पर आधी जिम्मेदारी माधव को भी उठानी पड़ेगी। तो ऐसा है, ये बात तो अब कोर्ट में जाएगी। इस मामले में क्या सच है और क्या झूठ मैं नहीं सुलझा सकता और ना ही चाहता हूं। जाओ यहां से। सर। रामप्रसाद, रामप्रसाद, तुम्हें नहीं लगता एक लड़की को इस तरह बच्चे के साथ अकेला छोड़ देना बहुत ही
घटिया किस्म का बर्ताव है। बताओ तुम्हें नहीं लगता ये? बोलो। जरूर सर। सर अगर मुझे पूरा यकीन होता कि मैं उस बच्चे का बाप हूं, पर सर ये एक ऐसी बात है ना जिसके बारे में कोई भी मर्द पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता। और सर ये कोई मजाक नहीं है ना कि आदमी जिंदगी भर दूसरे के बच्चे के लिए अपना खून पसीना एक करता फिरे। आप समझ सकते हैं ना मेरी बात को सर? निकलो यहां से। सर। और रसोई घर में फिर कदम मत रखना सुअर। तो उसकी खाल क्यों देर नहीं दी आपने? मुझे तो लगा मैं काफी सख्ती से बोल रहा हूं। सख्ती? आप गुनगुना रहे थे हुजूर। एक्सक्यूज मी। सच बताऊं मुझे पता ही नहीं कहना क्या चाहिए था। वो लड़की तो अभागन है ही, ये लड़का भी अभागा है। मान लो वो सचमुच उस बच्चे का बाप ना हो तो लड़की का क्या? वो तो किसी तरह अपने गर्भ से छुटकारा पा लेगी, लेकिन ये लड़का इस तरह अपनी जिम्मेदारी नहीं डाल सकता। लड़की को तो फिर भी किसी बड़े घर में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इस लड़के को बच्चलने के इल्जाम में अगर फौज से निकाल दिया गया तो इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। बच्चलन को कौन नौकरी देगा? सही है। इस मामले में मैं भी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहता। मुझे नहीं लगता ये लड़का पूरी तरह निर्दोष है, कह नहीं सकते। पर एक बात पक्की है, लड़की जरूर दोषी है। यानी इस मामले में आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं तो? नहीं नहीं हरिनाथ, मैं कोई फैसला नहीं कर रहा हूं और ना ही कोई सजा सुना रहा हूं। खैर छोड़ो, इस झमेले के पहले हम किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ, वो इंदु की आगे की पढ़ाई का क्या? शिवनाथ, ये सिर्फ इंदु की आगे की पढ़ाई नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। इस घर के कोने कोने में औरतें भरी हुई हैं और हर कोई चाहती है मेरी बच्ची को अपने ही ढांचे में ढाले। सासू जी निकली हैं उसे जोगन बनाने, निरुपमा उसे पेंटर बनाना चाहती है। अगर दाई माँ का बस चले तो उसे बोस्टमी बना दे, और नौकरानियां उसे ब्राह्मिका बनाने पर तुली हैं। ऐसे बच्ची की आत्मा न हुई, रंगीन रजाई हुई, 50 टुकड़े सीकर बना डाली। मेरी लड़की का भविष्य तय करने का अधिकार सबसे बढ़कर मेरा है। जो भी कदम उठाता हूं कोई ना कोई आड़े आ जाता है। कुछ भी हवा, इंदु को इस घर से बाहर निकालना ही है। निकाल चुके हैं, तुम्हारा घर एक नहीं 10-10 औरतें चलाती हैं। ये आप मुझे बता रहे हैं? बागनियों से भरा पिंजरा है ये घर। इनकी नाक के नीचे अगर मैं जलती हुई सलाख ना पकड़ता तो इन सब ने मिलकर कभी का मुझे चीर कर रख दिया होता। और तुम हंस रहे हो, क्या इतना काफी नहीं था कि मैंने तुम्हारी बहन से शादी की? पर इससे आपके मन को ठंडक नहीं पहुंची, आपने अपनी सौतेली माँ का बोझ भी मेरे सर पर डाल दिया। देखो हरिनाथ, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि यह निरुपमा की जिद थी कि उसकी माँ उसके साथ रहेगी। जी हाँ, और आप उसके साथ बड़ी आसानी से सहमत भी हो गए, और हमें हमारी सासू जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई अपना अपना भाग्य होता है। हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही भाग्यशाली हूं। अब हमारी दाई माँ है जो मुझे अंगूठा चूसता बच्चा समझती है। ये शिकायत नहीं, बड़ी प्यारी औरत है वैसे, पर वो किसी आश्रम वाश्रम में जाकर पाठ पूजा करे, लेकिन नहीं, यहां बैठकर मुझे शिक्षा दे रही है। हरिनाथ, इन औरतों पे काबू रखना सीखो, तुम इनको अपने ऊपर राज करने देते हो। मेरे साले साहब, क्या आप ये बताने की कृपा करेंगे कि औरतों पर काबू कैसे रखा जा सकता है? एक बात कहूं, निरुपमा मेरी बहन है, पर वो पहले से ही जरा कठिन है। ओ, निरुपमा हैं, उसके अपने मूड्स हैं, मन की बुरी नहीं है। मैं उसे जानता हूं हरिनाथ। हाँ, जरा रोमांटिक ढंग से पली है और जिंदगी की कड़वाहट को स्वीकारना उसके लिए जरा मुश्किल होता है। फिर भी मेरी पत्नी है वो, और इसलिए दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत।
वो तुम्हारे गर्दन में लटकाया हुआ सबसे भारी पत्थर है। कुछ भी हो, अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। निरुपमा है कि इंदु को अपनी नजर से एक पल भी दूर नहीं रखना चाहती, और मैं उसे इस पागल खाने में रहने नहीं दे सकता। तो निरुपमा है जो उसे लगता है आगे आने वाले दिन जरा मुश्किल होंगे। निरुपमा जब बच्ची थी तब भी जब तक उसकी ठानी हुई बात पूरी नहीं की जाती, जब तक उसकी मनचाही चीज उसे मिल नहीं जाती, वो जमीन पर मुर्दे की तरह अचल पड़ी रहती थी। और जब उसकी मनचाही चीज उसे मिल जाती, वो छटाक से उठती और उसे वापस कर देती। कहती उसका उस चीज से कोई मतलब नहीं, उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए बस। अच्छा, तो वो शुरू से ही ऐसी है। कभी कभी तो इतनी जज्बाती हो जाती है कि मैं डर जाता हूं। शक होने लगता है कि उसका दिमाग तो कहीं वो बीमार तो नहीं। आखिर इंदु के बारे में ऐसा आप क्या चाहते हैं जो निरुपमा को पसंद नहीं? आपस में दोनों समझौता क्यों नहीं कर लेते? शिवनाथ, तुम ये मत समझो कि मैं इंदु को कोई प्रोडिजी बनाना चाहता हूं या अपने ढांचे में ढालना चाहता हूं, पर सिर्फ शादी के बाजार में खड़ी होने के लिए मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। अगर ऐसा किया और उसकी शादी ना हुई तो जानते हो तुम क्या होगा? जिंदगी भर सीने में कड़वाहट भरे बैठी रहेगी। दूसरी तरफ मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मर्दाना काम सीखने में उसकी पूरी उम्र कट जाए, और बाद में अगर शादी करे तो इतना सब वक्त और पढ़ाई ना के बराबर हो जाए। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं वो पढ़े और अध्यापिका बने, फिर अगर उसकी शादी ना हुई तो भी अपनी देखभाल कर सकेगी, और अगर शादी हुई तो अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से पाल सकेगी। लॉजिकल बात है ना? हाँ, पर चित्रकला के लिए भी उसमें प्रतिभा काफी मात्रा में है। उस प्रतिभा को नजरअंदाज करना ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। देखो, मैंने इंदु का काम अपने एक पेंटर दोस्त को दिखाया, यानी जो पेंटिंग सही सही समझता है। उसने कहा अच्छा है, प्यारा काम करती है, जैसे स्कूल के बच्चे करते हैं, बस उतना ही। पर गए साल निरुपमा की जान पहचान वाला कोई चित्रकार यहां आया था, बिल्कुल अपस्टार्ट, एक महान आर्टिस्ट होने का नाटक। उसने कह दिया इंदु जीनियस है। बस निरुपमा के लिए बात वहीं तय हो गई। वो शख्स इंदु के प्रेम में तो नहीं था? लगा कुछ ऐसी ही बात थी। तब तो मामला बहुत गंभीर है। तुम कुछ नहीं कर सकते हरिनाथ, ये जो हुआ अच्छा नहीं, क्योंकि निरुपमा अकेली नहीं, उसके साथ ही घर के अंदर ही, पूरे घर में जैसे जंग छिड़ी हुई है। आपस की बात है, पर ये औरतें जो मेरे खिलाफ लड़ रही हैं बिल्कुल जंगली हैं, लड़ाई के कायदों से नहीं लड़ रही। आप समझते हैं मैंने ये सब नहीं भोगा है? तुमने भी? हैरानी हुई। सबसे बदतर बात तो ये है कि इंदु के भविष्य के बारे में जो फैसला हो रहा है वहां उसके पीछे एक ही भावना है, द्वेष। आते जाते चुटकुलियां छेड़ी जाती हैं, मर्दों को दिखा देंगे, औरतें ये कर सकती हैं, औरतें वो कर सकती हैं, पूरे दिन एक ही नारा, मर्द विरुद्ध औरत। गुड लक कैप्टन, मैं चलता हूं। अरे कहाँ चल दिए, खाना खाकर जाओ। नहीं भाई, बहुत देर हो जाएगी। नया डॉक्टर आज मिलने आ रहा है, बताया मैंने, आता ही होगा। तुमने देखा है उसे? हाँ, एक झलक से। अच्छा है, सीधा साधा लगता है। तुम्हें लगता है वो मेरे पक्ष में हो जाएगा? वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि औरतों से कैसा और कितना वास्ता पड़ा है उसका। मैं चलूं? रुक जाओ थोड़ी देर। नहीं भाई, घर में कह के आया हूँ कि खाना खाने आऊंगा, देर हो जाएगी तो श्रीमती जी चिंता से व्याकुल हो उठेंगे। चिंता से व्याकुल? अरे कहो, गुस्सा होती है। अपना ध्यान रखना, बहुत उत्तेजित लग रहे हो आजकल। अच्छा, मन ठिकाने नहीं है, है ना? निरुपमा ने कही ये बात तुमसे? नहीं नहीं नहीं,
17 साल से वो मुझे इस तरह संभालती आई है जैसे मैं कोई फलती फूलती लाश हूं। अपना ध्यान रखो, सीरियसली कह रहा हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। तो आपको अब हिसाब चाहिए? जरूरी है। हमारी आर्थिक स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही है। खर्च पर कंट्रोल रखना होगा। हिसाब लिखकर दे दो। अगर आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही है तो ये मेरा कसूर तो नहीं। ये तो हिसाब देखने के बाद तय हो जाएगा। हमारा बरगादार सालाना हिस्सा नहीं देता, ये मेरा दोष तो नहीं हो सकता। उसकी सिफारिश किसने की थी? आपने ही उसे सोच समझ कर रखा। सोच समझ कर? जब तक मैं उसे ना रखता, तुम ना मुझे चैन की सांस लेने देती, न चैन से सोने देती, न खाने देती। तुम्हें वही आदमी अच्छा लगा क्योंकि तुम्हारे लाडले भैया उसे छुटकारा पाना चाहते थे। आपकी माता को पसंद था क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं था। और दाइमा का वात्सल्य उसे देखकर छलकने लगा क्योंकि उसकी दादी और वो बचपन की सहेलियां थी। रखना पड़ा उसे। ये लो घर खर्च के लिए और तुम्हारे अपने लिए अलग। हिसाब तुम मुझे बाद में दे सकती हो। आभारी हूँ। अपने निजी खर्च का भी हिसाब रखते हैं आप? तुम्हारा उससे क्या लेना देना? सच है, जैसे मुझे अपनी बच्ची के बारे में कुछ लेना देना नहीं। शाम की सभा में आप भद्र पुरुषों ने कुछ निर्णय लिया है कि नहीं? निर्णय मैं पहले ही ले चुका हूँ। शिवनाथ को तो मैं सिर्फ बता रहा था। इंदु कलकत्ता जाएगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कलकत्ते में वो किन के साथ रहेगी? उसका प्रबंध मैंने अपने वकील मिस्टर आशुतोष बंदोपाध्याय के घर में किया है। उस नास्तिक के घर? कानून कहता है संतान को पिता अपने विचारों के मुताबिक पाल सकता है। और माँ इसमें कुछ नहीं कह सकती? नहीं, उसने अपने अधिकार सात फेरों के साथ अपने पति को समर्पित कर दिए हैं। उसके बदले पति उसकी और उसके बच्चों की देखभाल करता है। तो अपने ही बच्चे पर माँ का कोई अधिकार नहीं? बिल्कुल नहीं। एक बार समर्पित की हुई चीज वापस नहीं मांगी जाती। पर पिता और माँ दोनों अगर एक समझौते पर पहुंच जाए तो? नामुमकिन है। मैं चाहता हूँ इंदु कलकत्ता में रहे और तुम उसे इस घर में रखना चाहती हो। इस मामले में समझौते से कुछ नहीं बनने वाला। तो जबरदस्ती से बनेगा। रामप्रसाद क्यों आया था? ये फौजी मामला है। सारा घर जानता है। तो तुम्हें भी मालूम होना चाहिए। है। और फैसला कर चुकी हो? ऐसी बात पर कानून बिल्कुल स्पष्ट है। कानून इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट नहीं कि बच्चे का असली पिता कौन है। ठीक है, पर यह बात तो मालूम होती ही है। अकलमंदों का कहना है कि ऐसे मामले में पूरे विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकते। विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि पिता कौन है? उनका कहना है। कमाल है, फिर पिता को औरत की संतान पर पूरा अधिकार कैसे हो सकता है? उसे अधिकार होता है अगर संतान की जिम्मेदारी वो उठाए तो, या वो जिम्मेदारी उस पर लादी गई हो तो। और जहां ब्याह हुआ हो वहां तो पितृत्व का प्रश्न ही नहीं उठता। कभी नहीं? जहां तक मेरा ख्याल है। पत्नी ने अगर बेवफाई की हो तो? उसका अपनी चर्चा से कोई वास्ता नहीं। और कुछ? कुछ नहीं। तो फिर मैं चलता हूं ऊपर अपने कमरे में। हां, डॉक्टर के आते ही मुझे इतला कर दीजिएगा मेहरबानी करके। उसके आते ही मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता, समझी? समझी। मालकिन, डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर सेन। नमस्ते, आइए। आफ्टर यू। कैसे हैं आप?
कैप्टन साहब जरा बाहर गए हैं, अभी आएंगे। माफ कीजिएगा, आने में जरा देर हो गई, कांवती कुछ मरीजों को देखने जाना पड़ा। बैठिए। पहले आप। थैंक यू। हाँ, इधर काफी बीमारी है, गांव में हमारी जिंदगी बहुत कटी हुई अकेली सी होती है। अपने मरीजों के प्रति प्रेम रखने वाला डॉक्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण बात होती है। हमने आपके बारे में इतनी अच्छी बातें सुनी हैं। उम्मीद है हमें आपसे मिलने का मौका मिलता रहेगा। आपकी मेहरबानी है, और मुझे ही भरोसा है कि मेरा आना जाना सिर्फ डॉक्टर की हैसियत से नहीं होगा, परिवार में सबका स्वास्थ्य ठीक है ना? भगवान की दया से कभी किसी को गंभीर बीमारी नहीं हुई, लेकिन आजकल स्थिति बदल रही है। जैसे? क्या बताऊं? स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। आप मुझे चिंतित कर रही हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, घरेलू बातें, जो मान मर्यादा पालने वाली कोई भी नारी दुनिया से छिपा के रखेगी। लेकिन अपने डॉक्टर से तो नहीं? बिल्कुल सही है, इसलिए मेरा फर्ज होगा, चाहे जितना ही दुखदाई हो, कि मैं शुरू से ही हर बात आपको साफ साफ बता दूं। मेरे ख्याल से ये चर्चा मेरे कैप्टन साहब से मिलने की बात करें तो शायद। उन्हें मिलने से पहले आपको मेरी बातें सुननी होंगी। तो ये बात क्या उनके बारे में? हाँ, मेरे अभागे पति के बारे में ही है। मिसेस घोष, मुझे चिंता हो रही है, आप यकीन कीजिए मैं आपकी पूरी मदद करना चाहता हूँ, प्लीज आप बताइए। मेरे पति अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। जी, अपनी तरफ से मैंने आपको बता दिया, बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन माफ कीजिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब मैंने मिनरोलॉजी पर उनके रिसर्च के लेख पढ़े हैं, उनसे तो लगता है कि वो एक प्रखर बुद्धि वाले विद्वान हैं। सच? मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम सब गलत साबित हों और आप सही। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मामलों में उनका दिमाग ठीक काम ना करता हो, बिल्कुल, प्लीज आप आगे बताइए। वही तो डर हमें भी है, कभी कभी उनके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, जैसे कि कुछ प्रतिभाशाली लोगों के साथ होता है, और हम ये सब स्वीकार भी कर लेते अगर उनसे पूरे परिवार को खतरा ना पैदा हो। अब जैसे चीजें खरीदने की उन्हें बीमारी सी हो गई है। ये तो चिंताजनक बात है, खरीदते क्या हैं? ढेर सारी किताबें जो वो कभी नहीं पढ़ते। लेकिन किताबें खरीदना एक विद्वान के लिए इतनी विचित्र बात भी तो नहीं। आपको मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं नहीं मिसेस घोष, मुझे विश्वास है आप जो कह रही हैं वो सच है। और क्या ये बात ठीक है कि कोई दावे के साथ कहे जो दूसरे ग्रहों पे हो रहा है वो उन्हें माइक्रोस्कोप में दिखता है? ऐसा कहते हैं वो? जी हाँ। माइक्रोस्कोप में? हाँ, माइक्रोस्कोप में। अगर ऐसी बात है मिसेस घोष तो? अगर ऐसी बात है, आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, और मैं यहाँ बैठकर अपने परिवार के सब भेद आपको बता रही हूँ। प्लीज मिसेस घोष, आप मुझ पर विश्वास करती हैं, ये मेरा सम्मान है, लेकिन डायग्नोसिस से पहले पूरी जांच करना मेरा फर्ज है, प्लीज। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इन्होंने कभी चिड़चिड़ापन या असंतुलन जैसे लक्षण दिखाए हैं? लक्षण? हमारी शादी को 17 साल हो गए हैं, और आज तक एक भी निर्णय उन्होंने ऐसा नहीं लिया जो बाद में बदला ना हो। क्या बहुत जिद्दी हैं? हर बात जैसी सिर्फ वह चाहते हैं वैसी होनी चाहिए, और जब हो जाती है तब उनका मन उठ जाता है, फिर निर्णय लेने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल देते हैं। उन्हें नजदीक से देखना बहुत जरूरी है मिसेस घोष, इच्छा शक्ति जो होती है वो मन की रीढ़ की हड्डी होती है, और एक बार अगर वो टूट गई तो दिमाग भी बिखर जाता है। भगवान गवाह है, मैंने उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या क्या नहीं भोगा मैंने, क्या क्या नहीं सहा। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है मिसेस घोष, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एक बात का आप ख्याल रखिएगा, ऐसा कुछ ना होने पाए जिससे आपके पति जरा भी भड़क उठे, क्योंकि बीमार दिमाग में जरा सा ख्याल भी बवंडर बन सकता है, एक ऑब्सेशन, एक मोनोमैनिया पैदा कर सकता है, समझ रही हैं ना आप?
आपका कहना है कि उनके मन में किसी प्रकार की आशंका ना आने पाए। एग्जैक्टली। इस तरह की बीमारी में क्या होता है, आदमी को किसी बात पर यकीन करवाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसका मन बहुत कमजोर हो चुका होता है। जी मैं समझ गई। निरुपमा, ओ निरुपमा। माफ कीजिए, शायद माँ जी मुझसे बात करना चाहती हैं। प्लीज आप बैठिए, वो अभी आते ही होंगे। थैंक यू। डॉक्टर सेन जी, आप आ गए। वेलकम वेलकम, मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप जैसे विद्वान वैज्ञानिक से मुलाकात होना मेरे लिए गौरव की बात है कैप्टन। ओ प्लीज, मेरे फौजी काम से रिसर्च के लिए वक्त ही कहाँ मिलता है। फिर भी मुझे लगता है जल्दी ही मैं कोई नई खोज कर पाऊंगा। अच्छा? हाँ, मैंने मीटियोरिक मटीरियल का स्पेक्ट्रल एनालिसिस किया और उसमें मुझे कार्बन मिला, ऑर्गेनिक लाइफ का प्रमाण। क्या कहेंगे आप? फैंटास्टिक। आप उसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप? कैसी बात करते हैं आप, स्पेक्ट्रोस्कोप। सॉरी, स्पेक्ट्रोस्कोप, राइट। फिर तो आप हमें जल्दी बताएंगे जुपिटर पर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है नहीं, क्या हुआ था। सिर्फ अगर वो कमबख्त मद्रास का बुक सप्लायर मेरी किताबें जल्दी भेज दे। मुझे तो शक होने लगा है कि दुनिया के सारे किताब बेचने वाले मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आप यकीन कर सकते हैं, पूरे 2 महीने ना कोई ऑर्डर का जवाब आया, ना कोई खत, ना तार। मुझे तो पागल कर दिया है लोगों ने। लोग आलसी होते हैं कैप्टन, आप इसे इतना सीरियसली मत लीजिए। हाँ, लेकिन ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना थीसिस वक्त पर पूरा नहीं कर पाऊंगा। बर्लिन में भी एक साइंटिस्ट इसी विषय पर काम कर रहा है, मुझे मालूम है। खैर, अपनी बताइए। थैंक यू। आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? हमारे यहां भी आपके लिए कमरा मौजूद है, या शायद आप पहले वाले डॉक्टर के मकान में रहना पसंद करें। जैसी आपकी इच्छा। जैसी आपकी इच्छा, बताइए। अभी तय कीजिए कैप्टन। नहीं नहीं, ये मैं तय नहीं कर सकता, आप बताइए आपको क्या चाहिए। मैं तो तय नहीं कर पा रहा हूं कैप्टन। हद हो गई। क्या आप यह भी नहीं तय कर सकते कि आपको रहना कहाँ है? देखिए, इसमें मेरा कोई स्वार्थ, कोई दिलचस्पी नहीं, और आप भी इतने भोले नहीं। बताइए कहाँ रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर मुझे ही तय करना है तो मैं फिर यहां रहूंगा। गुड, शुक्रिया। माफ कीजिए डॉक्टर, पर मुझे फौरन निर्णय लेने वाले लोग पसंद हैं। सब चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कहने वाले लोगों से मुझे बहुत चिढ़ है। ओ, ताइमा, तुम्हें मालूम है डॉक्टर साहब का कमरा तैयार है? तैयार है। गुड, तो फिर आप चलिए डॉक्टर, काफी थके होंगे आप। थैंक यू कैप्टन। गुड नाइट। गुड नाइट, कल मिलते हैं। मेरी पत्नी ने यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ बताया आपको, परिचित कराने के ख्याल से? हाँ, बस उतना ही जितना एक अपरिचित को बताना जरूरी समझा उन्होंने। गुड नाइट कैप्टन। गुड नाइट। ताइमा, इनके साथ जाओ। आइए। अच्छा।
एक बात कहूं? कहो, कहो ना। एक तुम ही हो जिसका कहना मैं बगैर सदमे के सुनता हूं। देखो बेटे, बच्ची के बारे में बहुरानी के साथ मेलजोल क्यों नहीं कर लेते? आखिर वो माँ है। और मैं पिता हूँ ताईमा। फिर वही बात बेटे, पिता के पास तो बच्चे के अलावा भी कई सारी चीजें होती है, पर माँ के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ बच्चा होता है। बिल्कुल सही बात। उसके सर पर एक ही बोझ है और मेरे सर पर तीन तीन, जिसमें से एक वो भी है। ओहो, मेरा ये मतलब? पता है, यही ना कि मैं कैसे गलत हूं। बेटे, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूं। पर मेरा भला क्या है, सिर्फ ये नहीं जानती तुम। बच्ची को जिंदगी तो दे दी मैंने, पर इतना काफी नहीं है, उसे आत्मा भी देना चाहता हूं। ये सब मेरी समझ में नहीं आता, तुम मेल मिलाप कर लो बेटे। तुम मेरी मित्र नहीं हो दाईमा। चुप करो, इतने से थे तब से अपना बच्चा समझकर बड़ा किया है मैंने। हाँ दाईमा, हाँ। माँ बनी रही तुम। हाँ। हमेशा मेरी मदद की तुमने। सब मेरे खिलाफ थे तब भी, और अब जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम मुझे धोखा देकर दुश्मन से मिल रही हो। दुश्मन से? हाँ, दुश्मन, दुश्मन। इस घर का हाल तो तुम्हें पता है, पहले से अब तक। हाँ, बहुत देख चुकी हूँ। हे भगवान, दो इंसान क्यों इस तरह एक दूसरे को जख्म करते हैं? तुम दोनों अच्छे हो, दयालु हो, और बहुरानी तो मेरे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करती, और किसी के साथ भी नहीं। सिर्फ मेरे साथ। पता है मुझे, तो मैं बता दूं दाईमा, मुझे धोखा दोगी तो बहुत बड़ा पाप करोगी। मेरे इर्द गिर्द जाल बिछाया जा रहा है, और डॉक्टर भी मेरा दोस्त नहीं है। कितनी शंका रखते हो मन में, जैसे सब तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं। ये सब तुम्हारे नास्तिकपन का फल है। तुम्हें मिल गया है मोक्ष का रास्ता। तुम और तुम्हारी कृष्ण भक्ति। बहुत भाग्यवान हो। तुमसे ज्यादा तो हूं ही। जरा विनय से देखो तो समझोगे कि भगवान ही तुम्हें सुखी रखता है, और तुम सबको प्रेम की दृष्टि से देख सकोगे। अरे ये क्या, जब भी तुम भगवान और प्रेम के बारे में बात करती हो, तुम्हारी आवाज तीखी हो जाती है और आंखें कठोर। नहीं दाईमा, तुमने सच्चा मार्ग नहीं पाया है। इतना अहंकार, भगवान के सामने तुम्हारा पांडित्य काम नहीं आएगा। अरे कितनी उदंडता से बात करती हो रे मेरे शालिनी। आखिर अज्ञानियों के लिए ज्ञान कोई चीज नहीं होती। शर्म नहीं आती मुझे अज्ञानी बुलाते? इतना बड़ा हो गया तो समझता क्या है, होगा औरों के लिए। पर मैं क्या करूं, तू कुछ भी कर ले, पर मुझे तो भला ही लगता है ना। और जब आंधी आएगी तो मेरा नन्ना मेरे पास ही आएगा दौड़कर। ताईमा, माफ करो, विश्वास करो, सिवाय तुम्हारे मुझे यहां प्यार करने वाला कोई नहीं है। मेरी मदद करो, लगता है यहां कुछ होने वाला है। क्या? पता नहीं क्या, पर कुछ अशुभ, अनिष्ट। क्या हुआ मेरी बच्ची को? मुझे उनसे बचा लो, वो मुझे मारेंगी। कौन कौन मारेगा तुम्हें, बताओ? नानी। नानी, चलो, जरूर कुछ शैतानी की होगी तुमने। हाँ, क्या हुआ बेटिया? कुछ नहीं दाई माँ, कुछ नहीं। तुम जाओ, चलो बताओ क्या हुआ। बताओ बताओ। क्या हुआ बताओ? कसूर मेरा ही है, मैंने उनका मजाक किया। आप कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं कहेंगे, बताओ। शाम को नानी सब बत्तियां बुझा देती है
और मुझे कागज कलम देकर मेज के पास बिठाती है और कहती है कि अब आत्माएं आएंगी और तुम्हारे हाथ से लिखेंगी। क्या, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डरती थी। नानी कहती है उनके बारे में कुछ कहो तो आत्माएं बदला लेती हैं। कहती है कलम लिखती है, पर मुझे ठीक से नहीं पता कि मैं लिखती हूँ या कलम। कभी ठीक लिखा जाता है, कभी कलम हिलती तक नहीं। और जब मैं थकी होती हूँ बस कुछ भी नहीं आता, पढ़ाना जरूरी है। आज शाम को मैंने सोचा अच्छा लिखा जा रहा है, पर नानी कहने लगी कि मैं कोई पुरानी कविता उतार रही हूँ और उनका मजाक कर रही हूँ। ऐसे वक्त वो इतनी भयंकर गुस्सा होती है ना। तुम विश्वास करती हो कि भूत प्रेत होते हैं? पता नहीं। वो नहीं होते, कुछ नहीं होता। नानी कहती है आप समझते नहीं हो, और आपके पास और भी खतरनाक चीजें हैं जो दूसरे ग्रहों पर क्या क्या हो रहा है देख सकती है। ऐसा कहती है वो, और क्या कहती है? कि आप चमत्कार नहीं कर सकते। मैंने कब कहा मैं कर सकता हूँ। तुम्हें पता है मीटियोराइट क्या होते हैं? पत्थर। हाँ, पत्थर जो दूसरे ग्रहों से गिरते हैं। मैं उनका अभ्यास करता हूँ, देखता हूँ उनमें क्या क्या तत्व हैं, बस इतना ही। नानी कहती है ऐसी भी चीजें हैं जो वो देख सकती है आप नहीं। झूठ बोलती है वो। नानी कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें कैसे पता? फिर तो माँ भी झूठ बोलती होंगी। आप अगर कहेंगे कि माँ भी झूठ बोलती हैं तो आप पर हम कभी विश्वास नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं कहा। और जब मैं कहता हूँ कि इस घर को छोड़ने पर ही तुम्हारा भविष्य बन सकता है, तुम सुखी हो सकती हो, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। समझे बेटे? कलकत्ता जाकर कुछ नया सीखना पड़ना, अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें? ओह, मुझे कितना अच्छा लगेगा कलकत्ता जाकर रहना, या कहीं भी, बस यहाँ से छूटकर, सिर्फ आपको मिल सकूँ कभी कभी, जल्दी जल्दी। यहाँ पर सब कुछ ऐसा बुझा बुझा है, इतना भयंकर जैसे जाड़े की रात होती है, सन्नाटा ही सन्नाटा। पर जब आप घर आते हो ना बाबा, तो लगता है जैसे सब दरवाजे खुल गए हैं, दिल होता है दौड़ दौड़ के होली खेलूं। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बाबा, आप माँ से ठीक रहो। हाँ, वो ना बहुत रोया करती है। एक बात बताओ बेटे, तुम कलकत्ता जाना चाहती हो? हाँ हाँ। अगर तुम्हारी माँ ये नहीं चाहती तो? पर वो तो चाहेंगे ही। तुम पूछोगी उनसे? आप पूछिए अच्छे से। हाँ, वो तो मेरी बात पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देती। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो, मैं चाहता हूँ, और वो नहीं चाहती, तो हम क्या करेंगे? ओ, फिर तो सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। आप दोनों क्यों नहीं? अरे, ये यहाँ है। इंदु, अब हम इसकी राय सुन सकते हैं। आखिर इसी के भविष्य के बारे में फैसला होने वाला है। एक छोटी सी बच्ची अपनी जिंदगी का क्या करना चाहिए, इसके बारे में कैसे कुछ कह सकती है? यह जिम्मेदारी हमारी है। पर हम दोनों के ख्याल बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए इंदु को फैसला कर लेने दीजिए। इंदु बेटे, इधर आओ, अंदर जाओ, जाओ जाओ। मैं अपना अधिकार किसी को छीनने नहीं दूंगा, न बीवी को न बच्ची को। आप उसकी बोलने से डरते थे क्योंकि आपको पता था वो मुझसे ही सहमत होगी। मुझे पूरी तरह पता है वो घर छोड़ना चाहती है, पर मुझे ये भी पता है कि अपनी जिद के लिए उसकी इच्छा बदलने की ताकत भी तुम में है। अच्छा, तो इतनी शक्ति है मुझ में? हाँ, मनचाही चीज प्राप्त करने की एक पैशाचिक प्रतिभा तुम में है, वरना तुम डॉक्टर मलिक से छुटकारा कैसे पाती और कैसे इस नए डॉक्टर को यहां लाती? कैसे? तुमने डॉक्टर मलिक का अपमान किया ताकि वो यहां से चले जाएं, और बाद में इस डॉक्टर का तबादला अपने भाई की मदद से यहां करवा लिया। इंदु क्या अभी जाएगी? हाँ, दो हफ्तों में। पक्का है? हाँ। इंदु से बात की? की,
तो मुझे ये सब रोकना ही होगा। तुम नहीं रोक सकती। नहीं? क्या आप सचमुच समझते हैं कि मैं अपनी बेटी को ऐसे लोगों के साथ रहने दूंगी जो उसे कहते रहे उसकी माँ ने जो सिखाया वो सब बकवास है, ताकि जिंदगी भर वो मुझसे नफरत करती रहे? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी इंदु को बेवकूफ और सिर्फ फिरी औरतों के बीच छोड़ दूंगा जो उसे सिखाएं कि उसका पिता शैतान है? आपको इस बात की इतनी परवाह नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि माँ संतान के सबसे ज्यादा करीब होती है, और हाल ही में माना जा चुका है कि बच्चे का पिता कौन है ये निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। इसका हमसे क्या ताल्लुक? आप भी निश्चय के साथ नहीं कह सकते कि आप इंदु के पिता हैं। मैं निश्चय के साथ नहीं कह सकता कि नहीं, कोई पुरुष नहीं कह सकता, इसलिए आप भी। सोच रही हो, बड़ा व्यंग कर रही हो। मैं तो सिर्फ वही दोहरा रही हूँ जो आपने कहा। फिर भी आपको क्या पता कि मैं आपसे वफादार रही हूँ या नहीं? तुम्हारे बारे में मैं और किसी भी बात पर विश्वास कर सकता हूँ, पर इस पर नहीं। और अगर ये बात सच होती तो तुम इस बारे में चुप रहती। हो सकता है मैं किसी भी नतीजे के लिए तैयार हूँ। अपनी बेटी गंवाने के बजाय शायद मैं नफरत भरी जिंदगी जीना, घर से निकाल देना, कुछ भी सह लेने के लिए तैयार हूँ। मान लीजिए कि मैं अभी आपसे सच कह रही हूँ कि इंदु मेरी बेटी है पर आपकी नहीं। चुप, चुप करो। सिर्फ समझ लीजिए, फिर आपका उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। उसके लिए तुम्हें यह साबित करना होगा कि मैं इंदु का पिता नहीं हूँ। ये कोई मुश्किल बात नहीं, आप चाहें तो मैं। चुप रहो, बस। मेरे लिए इतना काफी होगा कि मैं उसके असली पिता का नाम बताऊं, कब और कहां। मसलन इंदु कब पैदा हुई, हमारी शादी के 3 साल बाद। चुप रहो, वरना। वरना ठीक है, चुप करती हूं, पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सावधानी से सोच लीजिएगा, और सबसे बड़ी बात, खुद की हंसी मत होने दीजिएगा। हे भगवान, मैं रो पड़ूंगा। तब तो बहुत ही हंसी होगी। तुम हारी नहीं? बिल्कुल नहीं, हम औरतें ऐसी स्थिति को होशियारी से संभाल लेती हैं। हाँ, इसलिए तुम्हारे साथ कोई लड़ नहीं सकता। अपने से ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने की कोशिश ही क्यों करो? ज्यादा शक्तिशाली? हाँ, अजीब बात है, जब भी मैं किसी पुरुष को देखती हूँ यही एहसास होता है कि मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। पर इस बार तुम्हें बराबरी का दुश्मन मिल रहा है, कभी भूल ना पाओगी। दिखा दूंगा, मजा आएगा। खाना तैयार है, खाओगे आप लोग? हाँ, तुम चलो दाई माँ, हम आ रहे हैं। अच्छा, खाना नहीं खाएंगे? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कुड़ रहे हैं? मुझे भूख नहीं है। चलिए, अभी बेकार चर्चा होगी, ठीक है, बाद में खा लीजिएगा। क्या हुआ बेटे? बेटे क्या हुआ? पता नहीं। हाँ? बता सकती हो कि एक अधेड़ मर्द को तुम औरतें एक बच्चे की तरह क्यों समझती हो? ये तुम मुझसे मत पूछो। शायद इसलिए कि बच्चे हो या अधेड़, तुम सब एक औरत की कोख से जन्म लेते हो। और कोई औरत आदमी की कोख से नहीं पैदा होती। हाँ, पर मैं इंदु का पिता हूं। हूं ना दाइमा? तुम्हें तो यकीन है ना? बोलो, बोलो। हे भगवान, कैसे बच्चे बन जाते हो? अरे, तुम ही तो अपनी बेटी के पिता हो, और कौन होगा? चलो खाना खा लो, चलो। प्रसाद,
पश्चात। सर घोड़ा तैयार करो। सुनो सुनो बेटे, अल, अल। ये भगवान ये सब क्या हो रहा है? मैंने आपके पति से बात की मिसेस घोष, मुझे नहीं लगता आपके मन में उनके लिए जो संदेह है वो उचित है। ये आपकी गलतफहमी है कि वो माइक्रोस्कोप की मदद से हेवनली बॉडीज के बारे में निर्णय पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा वो स्पेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, वो सही है, और मुझे तो लगता है कि वो न केवल मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति हैं बल्कि उनका शोध कार्य विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने तो ये कभी नहीं कहा। मिसेस घोष, मैंने हमारी बातचीत के नोट्स लिए हैं, मुझे लगा था कि मैंने आपको कहीं गलत तो नहीं सुना, इसलिए मैंने आपसे दोबारा पूछा था कि वो माइक्रोस्कोप का ही इस्तेमाल करते हैं, आपने हाँ भी कहा था। खैर, वैसे किसी पर भी मानसिक असंतुलन का इल्ज़ाम बहुत सोच समझ कर लगाना चाहिए, आदमी को पागल सर्टिफाई किया जा सकता है। सर्टिफाई? बिल्कुल, और आपको तो मालूम होगा जो आदमी एक बार पागल प्रमाणित हो जाए वो अपने पारिवारिक और सामाजिक अधिकार खो बैठता है। नहीं, मुझे नहीं मालूम था। मिसेस घोष, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि पुस्तकों के लिए भेजे गए उनके पत्रों के जवाब उनको अब तक नहीं मिले हैं। गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि अच्छी भावना से ही सही आपने उन पत्रों को रोक लिया हो? ऐसा ही है, मुझे परिवार की चिंता थी, कुछ करना ज़रूरी था, वरना वो हम सबको तबाह कर देते। माफ़ कीजिए, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि आपके इस व्यवहार का परिणाम क्या होगा। अगर उन्हें पता चला कि आप चुपके से उनके मामलात में दखलंदाजी कर रही हैं तो उनके शक पक्के हो जाएंगे और वो तूफान की तरह बढ़ने लगेंगे। और इसके अलावा ऐसा करके आपने उनकी इच्छा शक्ति को जकड़ लिया है, अब वो छटपटा रहे हैं। जब किसी की तीव्र इच्छा की पूर्ति में बाधा डाली जाए या किसी पंछी के पर काट दिए जाएं, तो उस छटपटाहट को तो आपने भी महसूस किया होगा। हाँ किया है। तो आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए उन्हें कैसा लग रहा होगा। आधी रात हो चुकी है और वो अभी तक नहीं लौटे, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? मिसेस घोष, आज शाम को क्या हुआ? डॉक्टर को सब जानकारी होनी चाहिए। वह भड़क उठे, अजीबोगरीब बातें करने लगे। आप मानेंगे, वो मुझसे पूछने लगे कि वही अपनी बेटी के असली पिता है कि नहीं। अजीब बात है, उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कैसे? मेरी समझ के बाहर है। हाँ, शायद हमारा एक नौकर जो बाप बनने वाला है उससे कुछ पूछ रहे थे, और जब मैंने उस लड़की की तरफदारी की तो एकदम चिढ़कर कहने लगे कि बच्चे का पिता कौन है ये कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता। उन्हें शांत करने की मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता हम और कुछ कर सकते हैं। इस सिलसिले को रोकना होगा मिसेस घोष, कुछ करना चाहिए, लेकिन उनके मन में किसी भी तरह की शंका जगाए बिना। अच्छा ये बताइए कि इसके पहले भी उनको इस तरह का भ्रम हुआ है? हाँ, 6 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था उनको। उस वक्त तो अपने डॉक्टर को उन्होंने लिखा भी था कि अपना मानसिक संतुलन खोने का उन्हें बहुत डर है। ओ, ये सब किसी पुरानी बात से उभर कर आ रहा है मिसेस घोष। बाप के पारिवारिक जीवन के रहस्य पूछना तो उचित नहीं है मेरे लिए, जो दिख रहा है उसी में सीमित रहूंगा, लेकिन जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। पहले से ही कुछ कदम उठाए जाते तो शायद। खैर, इस वक्त कहाँ हो सकते हैं वो? पता नहीं, ऐसी विचित्र कल्पनाएं आती रहती उनके दिमाग में आजकल की। आप चाहें तो मैं यहां रुक जाऊं, मैं कह दूंगा आपकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, मैं उनको देखने आया था। हाँ,
रुक जाइए, इस वक्त हमें छोड़कर मत जाइए। आपको नहीं पता मैं कितनी परेशान हूं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उनकी हालत के बारे में जो आप सोचते हैं उन्हें साफ साफ बता दें? नहीं मिसेस घोष, मानसिक रोगियों के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, और कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि वो खुद बात नहीं छोड़ते हैं, वो भी विशेष परिस्थितियों में। देखते हैं। अच्छा, अब मेरा यहाँ बैठना ठीक नहीं होगा, मैं अंदर चला जाता हूँ, मतलब फिर उनको संदेह नहीं होगा। हाँ ऐसा ही करते हैं, मैं दाइमा को बुला लेती हूँ, वो जब भी बाहर जाते हैं वहीं यहाँ उनका इंतजार करती है। दाइमा। आई बहुरानी। एक वही है जिसका थोड़ा बहुत मान लेते हैं वो। दाइमा, वो अभी तक नहीं लौटे, तुम जरा यहाँ बैठकर उनका इंतजार करो, जब आएंगे बताना माँ की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब उन्हें देखने आए हैं। ठीक है बहुरानी, तुम चलो, मैं रुकती हूँ। आइए डॉक्टर साहब। चलिए। मैं यहाँ बैठी हूँ तुम्हारे पास, ऊपर भयानक लगता है। हाँ बेटी, हाँ। अभी तक जाग रही हो? पिताजी का जन्मदिन का तोहफा जल्दी पूरा करना है। बिटिया, इतनी देर जागना ठीक नहीं तुम्हारे लिए, और फिर सुबह जल्दी उठना है, और आधी से ज्यादा रात तो हो गई है। तो क्या हुआ? ऊपर अकेले मुझे डर लगता है। हाँ। क्या क्या सुनाई पड़ता है, वहाँ जरूर भूत है। हे राम, मैंने कहा था ना, इस घर की रक्षा करने वाला इष्टदेव भी नहीं है। क्या सुना तुमने बिटिया? गाना दाइमा। हाँ? पर कोई गाना गा रहा था। हाँ, सीढ़ी के पास वाले कमरे में कोई गा रहा था गाना इस वक्त। हाँ, और बहुत दुखी गाना दाइमा। हाँ? बहुत दुखी, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं पहले। लग रहा था वो गाना अलमारी से आ रहा है। क्या? वही जहाँ वो झूला रखा है ना बाई में। हाँ, और बाहर इतना तूफान मचा हुआ है, रक्षा करे ईश्वर इस घर की। ताइमा, पिताजी सचमुच बीमार है? वो ठीक नहीं है बेटी आजकल। तो फिर इतना जाग कैसे सकते हैं? ऐसी बीमारी में नींद चली जाती है बिटिया। शायद वो आ गए। जानो, जाओ भागो, तुम सो जाओ, जाओ बेटी। अब तक जाग रही हो? हाँ। जाके सो जाओ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी राह ताक रही थी हरिनाथ। क्या है? नानी माँ बीमार है और डॉक्टर साहब उन्हें देखने आए हैं। क्या हुआ उन्हें? उन्हें बुखार है, वो कांप रही हैं। ताई माँ। जी बेटे। ताई माँ। हाँ बोलो ना बेटे। बच्चे का पिता कौन है दाइमा? क्या? ये क्या पूछ रहे हो? मेरे बच्चे का पिता कौन होगा? मेरा पति और कौन? तुम्हें ये कैसा विश्वास है कि वही है? ये कैसा सवाल है हरिनाथ, तुम पागल हो गए हो क्या? ठीक है ठीक है, पर क्या उसे विश्वास था कि वही पिता है?
तुझे विश्वास नहीं हो सकता। हरिनाथ, तुम्हें हो सकता है, यही फर्क है। फर्क? तुम्हें नजर नहीं आता पर है। माँ जी बेटे, तुम्हें लगता है इंदु मुझ पर गई है? और किस पे जाएगी? ये नाक नक्शा देखो। तुम्हारे पति ने कबूल किया था कि बच्चे के पिता वही हैं? हरिनाथ, अब मुझे गुस्सा आएगा। हाँ, गुड इवनिंग कैप्टन। डॉक्टर सेन, गुड इवनिंग। आइए, कैसी हैं हमारी सासू जी? नहीं, कोई खास बात नहीं है, उनके बाएं पैर में जरा सी मोच आई है। जरा सी मोच? ताईमा ने तो कहा उन्हें जरा सा बुखार है, तो अलग अलग अनुमान। जाके सो जा ताईमा। आइए।